गुरुग्राम के धनवापुर गांव में दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। आपसी झगड़े में खून खराबा, पथराव और फायरिंग, महिलाओं सहित बच्चे हुए घायल, 10 से ज्यादा गाड़ियों में की तोड़फोड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि गुरुग्राम के धनवापुर गाँव में दो गुटों में आपसी लड़ाई हुई। आपसी झगड़े में बहुत खून खराबा हुआ, पथराव और फायरिंग भी हुई और महिलाओं साथ साथ बच्चे भी घायल हुए। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। आपको बता दें कि गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुक्रवार रात 8:30 बजे वर्तमान पार्षद नवीन धैया के गैंगस्टर भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश धैया के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में लाठियों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सिर्फ दिनेश को ही नहीं बल्कि उसके घर की बहू, बेटी और बच्चों पर भी हमला किया गया। लेकिन इस घटना की गवाही देने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन गली में खड़ी चकनाचूर गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना भयानक था। पुलिस को सबूत ना मिले इसलिए पहले ही गली में लगे सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिए। धनवापुर गांव में कुछ विवाद की खबरें आई हैं, क्या कुछ मामला है और किस तरह का समय माहौल है? हमें अराउंड 8:30 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पर टीम पहुंची, हमारी राजेंद्र पा की टीम पहुंची और CI की टीम पहुंची। पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन दो पक्षों के बीच में और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, रंजिश चल रही आपस में। ये यहाँ धनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। पार्षद और एक उसके भाई जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खून पुलिस ने बरामद किए हैं सर? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी बता नहीं सकते। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोग अभी एडमिट किए हैं हमने घायल, बाकियों की एमएलसी करवा रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है सर पुलिस को? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते हैं। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें डैमेज हुई है? अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है, हमने पुलिस को पूरे गांव में रिपोर्ट कर। इस घटना के दौरान घायल हुए लोगों के परिवार ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले पार्षद नवीन दहिया के परिवार सहित दर्जनों बदमाशों ने उनके घर पर अचानक पथराव करना शुरू कर दिया। जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दिनेश दहिया के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और कई बार राउंड फायरिंग भी की। आज पड़ोस वालों से बात करने के पता चला कि इस दौरान उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिस वजह से सभी गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। इस बात की सूचना तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। नाम बताइए अपना। मेरा जी नाम है रमेश दहिया। क्या घटना हुई सर? मैं कॉलोनी में था अपने ऑफिस पे, कि किसी कॉलोनी वाले मेरे पास फोन आया, बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दहिया के, और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है यो गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दहिया और ये पौआ सबसे मेन है, और एक बूढ़ी है जिसका मनीष नाम है, और ये लंबू और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी, और जीतू और जी, वैसे मैं घने के नाम से नहीं, शक्ल से पहचानता हूँ। पूरी गैंग थी 40-50 आदमी की। वहाँ से फिर हमें जैसे पहुंचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्पिटल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, बोला घर पे वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। मैं बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ, एक हद जी बुरा हाल कर रखे, यहाँ भी देखो गाड़ियों का हाल कर। कितने बजे घटना जब वहाँ पे झगड़ा हुआ था? साहब टाइम मेरे उस टाइम 8 बजे, मैंने टाइम नहीं देखा जी। 8 बजे? हाँ, मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया, क्योंकि भाई के छोटे घर में घर पे आया तो घर पे देखा था जी, इन्होंने फायरिंग कर रखी है जी, बढ़िया बुरा हाल कर रखे जी। हाँ यहाँ जी कई चोट लगी, हमारी चाची का चोट लगी है, भाइयों का भतीजे का चोट लगी जी, काफी चोट लगी। कारण क्या था? सर कोई कारण नहीं, ये बदमाश है, पूरा गांव इनसे दुखी है, किसी को काम करने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते, जब देख के गाड़ी अड़ा देते हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, धमकी दिला रहे हैं, हर टाइम धमकी भी धमकी दे रहे जी लगातार। इससे पहले जी कई दफे इनके रिपोर्ट की, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, वीडियो भी हमारे पास चौकियों में जाते हैं, इनके चढ़ावा चले जाता है, भाई प्रशासन के दाब देता है, भाई मेरी चौधर मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरी ये चलेगी वो चलेगी जी, हम तो दुखी हो रही है, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते लोग वहाँ से। कुल कितनी गाड़ियाँ ऐसे यहाँ पे डैमेज की हुई है? देखो जी सारी गाड़ियाँ, इससे आगे 4-5 गाड़ियाँ डैमेज। जेसीबी से भी हमला? नहीं, जेसीबी से नहीं, इधर से घर से गिरा जी वारदात,
इधर के इधर से नहीं, इधर से। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सबूत को जुटाने में जुट गई है, मगर आपको बता दें कि गांव में तनाव अभी भी बरकरार है और गुरुग्राम पुलिस की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव में पहरा दे रहे हैं। अब ऐसे भी देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी को किस प्रकार सुलझा पाती है। हिमांशु, क्या हुआ था जब यहाँ पे आपके? सर, मैं आगे से आ रहा था जी, आगे से चाचा आ रहे थे मेरे, इन्होंने बीच में मेरे को रोका, गाड़ी ग्लोच किया मेरे साथ, लपटम झपटम हुई, चाचा को सर इन्होंने डंडों से मारा, पत्थर मारे इनके ऊपर, सर फिर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। सर फायर कम से कम 40 से 50 फायर हुए। सर ये लोग थे 15 से 20 लोग। आप लोगों ने बचाव की भी कोशिश की? जी बचाव की बिल्कुल कोशिश की थी। आपने भी अपने बचाव में कोई आपस में कोई पथराव वगैरह? जी पथराव वाला का बहुत किया था सर, फिर हम चले गए थे जी। अच्छा, अभी कौन कौन घायल है आपके परिवार से? जी फादर जी मेरे, चाचा जी घायल है, दादी जी का। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी खबरें जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।